बेहतर भविष्य और अच्छी कमाई के लिए अपना मुल्क छोड़कर दुबई गए करीब एक दर्जन लोग मुसीबत में। इन मजबूर भारतीय कामगारों की खबर पता चलने पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मदद के लिए आगे आई हैं। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर को देखने के बाद सुषमा स्वराज ने दुबई स्थित भारतीय दूतावास को इन कर्मियों की मदद करने के लिए निर्देश दिए हैं। नाराज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से इस बेईमान एजेंट के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कहूंगी, हमारा दूतावास दुबई में मदद करेगा। अपने खून पसीने की कमाई लगाकर ये सभी कर्मी अच्छे भविष्य की चाह में दुबई गए थे, जिसके लिए इन्होंने एक लोकल ट्रेवल एजेंट से संपर्क किया था। लोकल ट्रेवल एजेंट ने उन्हें दुबई में आकर्षक नौकरी दिलवाने का वादा किया और ये सभी इस ट्रेवल एजेंट के झांसे में आकर वीजा के लिए 60 से 70 हजार रुपए इन्होंने दिए। लेकिन दुबई में उस प्लेसमेंट एजेंसी का एजेंट सभी कामगारों को बीच मझधार में छोड़कर भाग गया। इन कामगारों में से एक भुवनेश्वर ने बताया कि लोकल प्लेसमेंट एजेंट रमेश प्रसाद ने उन्हें दुबई में एक जॉब दिलवाने की बात कही थी। भुवनेश्वर ने फोन पर बताया, हमें यकीन दिलाया गया था कि हमें हमारी योग्यता और क्षमता के आधार पर 36 से 72 हजार रुपए तक मिल सकते हैं, पर जब हम यहाँ पहुँचे तो जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। दुबई में फंसे एक दूसरे वर्कर शिव ने बताया कि अलकवास में किसी दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ दिन और काम करने के बाद हम दुबई शिफ्ट हो गए, जिसके बाद कंपनी की बस में रहने के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा। कंपनी ने हमारे पासपोर्ट जब्त कर लिए थे, इसलिए हमारे पास कोई और चारा नहीं था। बेहतर भविष्य की तलाश में देश छोड़कर विदेश गए ये वर्कर अब शायद उस दिन को कोस रहे हों कि उन्होंने दुबई जाने को क्यों सोचा। बहरहाल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पहल पर दुबई में बस में रहने को मजबूर ये सभी वर्कर बहुत जल्द ही अपने वतन वापस आ सकते हैं।